यहीं तक साथ आना था, इससे आगे नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें इतना आगे तक भी नहीं आना चाहिए था। यहां तक आ गया, अब और आगे नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें यहीं छोड़ रहा हूं। छोड़ने के लिए थैंक यू। आई होप तुम एक बार मेरी जगह आके देखो, तब शायद तुम समझ सकोगे कि सिर्फ तुम ही नहीं और उसके साथ गलत हुआ है। फोन करो ना उसे। किससे? आरवी को और किसे पूछो उसे कहाँ पहुंचा है वो। अरे टाइम लगता है ना आने जाने में, आ जाएगा। कितना टाइम लगता है आने में? 20 मिनट दूर है पूर्वी का घर, उसमें 5 मिनट अगर ट्रैफिक के भी जोड़ लो तो ही शुड हैव बीन हियर बाय नाउ। फोन यूज करना छोड़ोगे? प्लीज कॉल हिम, फोन करके पूछो कहाँ है वो। जैसे भी आएगा, जब भी आएगा, घर ही आएगा ना। मॉन, कैन यू जस्ट रिलैक्स? आपको मेरी कोई भी बात नहीं माननी होती ना मोनिशा, और आरवी को भी, उसे भी कोई बात नहीं माननी होती। शुड हैव कॉल मी ना बाय नाउ, बता देना चाहिए था, गुड न्यूज़ दे देनी चाहिए थी। व्हाई हैजंट ही कॉल्ड? तो कितनी रेस्टलेस हो गई है। इधर आ, बैठ इधर। एक बात बता, देख आरवी वही कर रहा है ना जो तूने बोला उसे करने के लिए? कॉल करेगा वो मोन, थोड़ा टाइम दे उसे। कोई रोबोट नहीं है ना कि जो फीड कर दिया वैसे ही करता जाएगा। जो काम करने गया है वो करके ही आएगा, एंड जितना मैं उसे जानती हूँ ना, कॉल करेगा वो तुझे मोन। आई नो, मैं आरवी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और अब उसे रोबोट बहुत मत बोलो ना। इट्स नॉट लाइक मैं उसकी बात नहीं सुनती, मैं भी सुनती हूँ, वो भी सुनता है, इट्स प्रीटी इक्वल। तो प्रॉब्लम है ही क्या? बस यही कि कभी कभी मुझे बहुत अलग सा फील होता है, लाइक मुझे लग रहा था कि उसे अभी तक आ जाना चाहिए था, उसने फोन तक नहीं किया दी। ही शुड हैव कॉल्ड ना। ओके ठीक है, 5 मिनट और, आई वेट। उसका फोन नहीं आया तो मैं करूँ। फिर वही बात, 5 मिनट 5 मिनट। मोहन तुझे समझाया तो है। मैं नहीं कर सकती और वेट, आई टोल्ड यू 5 मिनट और, नहीं आया तो मैं करूँगी। उसकी जगह ना एक बार अपने आप को रख के देख, और आप एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के देखो। बोला ना, आई वेट फॉर 5 मिनट्स, नहीं तो मैं करूँगी फोन उसे। पसंद है मोनिशा? हाँ मुझे मोनिशा पसंद है। वो मायने रखती है तुम्हारे लिए? मोनिशा मेरे लिए मायने रखती है। गलत किया मोनिशा के साथ, बहुत अच्छी लड़की है वो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मोनिशा को भी हर्ट नहीं कर सकता। रो क्यों रही है? हाँ, इसकी आंखों में आंसू भी है, और आरवी भी अंदर तक नहीं आया, दूर से ही जा रहा है, घर पे भी नहीं आया।
कुछ हुआ है क्या इन दोनों के बीच? और क्या, तभी तो छोड़ के गया है, अंदर तक नहीं आया। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है तू। कुछ तो हुआ है, कोई जो बहुत बड़ी बात हुई है। पक्का पक्का, पहली बार लड़की घर आ रही है शादी के बाद और आरवी घर के अंदर तक नहीं आया, बाहर ही छोड़ के चला गया। और वो भी रोते रोते आ रही है पूर्वी, कुछ बात जरूर है। तुमने मुझे दुख दिया, दर्द दिया, धोखा दिया और अब मैं तुम्हें सब कुछ हजार गुना ज्यादा दूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे इस इल्जाम की वजह से मेरी बहन के साथ क्या हुआ? तुम्हारे इस झूठे इल्जाम की वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया। और जो मेरी बहन के साथ हुआ सेम तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकता है। मेरे पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार्ट अटैक आ गया। जैसे मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था वैसे तुम्हारे वो दादाजी टंडन जी उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है। मेरी माँ जो सबकी फेवरेट हुआ करती थी, जिनसे पूछे बिना कोई फंक्शन नहीं होता था, सब उनसे पूछती थी कि क्या करना है कैसे करना है, तुम्हारे झूठे इल्जाम की वजह से उनको मंदिर से निकाला गया। जैसे मेरी माँ सबके सामने जलील हुई थी वैसे तुम्हारी माँ को गालियां देके समाज से बाहर कर देंगे। रियल शैतान तो तुम तब देखोगी जब मैं पूर्वी के साथ सुहागरात मनाऊंगा और अगले दिन उसको छोड़ूंगा। यहीं तक साथ आना था, इससे आगे नहीं आ पाऊंगा। मटर पनीर, छोले, खीर तो फ्रिज में है वो रहने देती हूँ और ये बस ये पनीर का पुलाव। बस अब पूर्वी आ जाए जल्दी, सब तैयार। खुशी, खुशी, हेलो माँ, कहाँ रह गई तू? जल्दी आ जा, पूर्वी भी किसी भी वक्त आती होगी। क्यों अब तक नहीं आई? नहीं वो बस आ रही है, तू जल्दी आ जा। हेलो खुशी, क्या हो गया, तेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है, सब ठीक है? माँ मैं आ रही हूँ पर अब प्लीज पूर्वी से कुछ कहना मत। मतलब कोई बात है, कुछ हुआ है तो मुझे बता। नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब है कि आप भी उसे कुछ मत कहना क्योंकि वो लेट आ रही है ना, इसलिए कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, चल तू आ जा जल्दी। आजा आज। ऐसी क्यों बोल रही थी, कुछ हुआ तो नहीं है? मेरा दिल क्यों घबरा रहा है अचानक? आई होप सब ठीक है। भगवान जी मेरी खुशी और पूर्वी ठीक है ना, बस बस सब ठीक कर दो, कुछ कुछ गलत ना हो बस। हाँ छोड़ दिया, घर आ रहा हूँ। ग्रेट, जल्दी आ जाओ, कांट वेट, सी यू। छोटे कोके, छोटे 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 छोटे, सो हैप्पी। ओके चलो आरवी को सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज? व्हाट सरप्राइज दी? मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है, बस चलो मेरे साथ, कम ऑन। मोनिशा फोन करी थी। अरे क्या हो गया? प्राची, प्राची, अरे वो कुल्फी कहाँ गई? प्राची आ गई क्या? अरे नहीं आई अभी तक। अरे भाई क्या हो रहा है, बक फेरी की रस्म में तुम लोग यहाँ ऐसे खड़े हो और ये तो यहाँ पसरी पड़ी। देखो नेल पेंट सुखा रही है। हाँ उठो, अरे बक फेरी की रस्म है, आरवी आने वाला है। अब आरवी नहीं दामाद जी है वो। हाँ उनका स्वागत तो करना पड़ेगा ना अच्छे से। हाँ ये तो उठती है या नहीं? उठ पहले। माँ मेरी पहले आने तो दो, क्यों इतना बवाल कर रही हो तू? उठ पहले। कुल्फी वाला अभी तक आया नहीं? कुल्फी वाला आ रहे हैं, फोन पे बात हुई। ये बिजली कुल्फी, अरे वो
क्या वो क्या हुआ? पूर्वी दीदी बाहर रही है। प्राची भाभी भी है बाहर है। हाँ? तो क्या? बाहर क्या कर रही है? चल 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 देखते हैं। चल आजा आजा शोकी। बाहर क्या हुआ? बाहर क्यों रुकी है? अच्छा वो आ गई, पता कब से वेट कर रहे थे। पूर्वी आ गई है ना तू? पता है हमने भी मिस किया। बस अब बस चल अंदर। प्राची शादी के अगले दिन ही रोना धोना शुरू पगफेरे में इतनी जल्दी? हाँ क्या मतलब? अरे मतलब तो ये बताएगी ना पूर्वी, पूछ अपनी बेटी से पगफेरे के लिए आ गई वो भी अकेले। हाँ हाँ पूछ ना, पूछ अकेले क्यों आई है। आपको कोई काम धंधा नहीं है, अपने अपने घर परिवार है ना आपके पास, तो वहाँ जाइए अपना काम कीजिए। दूसरों के परिवार में दखल अंदाजी करना आपका फेवरेट काम है ना, अपने घर जाइए और वहाँ ध्यान दीजिए। सही कह रही है प्राची, पूर्वी कब आई, क्यों आई, किसके साथ आई, अकेली आई कि नहीं आई, आप लोगों दूसरे घरों के बारे में कितनी पंचायती क्यों है। अरे आंटी जी आप अपने घर जाके अपने परिवार को संभालिए ना, आपके घर में बेटियां हैं ना पूर्वी दी जैसी, तो जाइए ना उनको देखिए। लो भाई नेकी कर और कुएं में डाल, हम तो भला करने की सोच रहे थे आप सबके लिए। माँ बेटी रोए जा रही थी तो पूछेंगे नहीं क्या, और वो भी अकेली आई है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है इन दोनों के बीच में, तभी तो वो हमारी पूर्वी को छोड़ गया और वापस चला गया। सुन रही हूँ ना, हम भला चाहते हैं इसीलिए कह रहे हैं। रियल शैतान तो तुम तब देखोगी जब मैं पूर्वी के साथ सुहागरात मनाऊंगा और अगले दिन उसको छोड़ूंगा। वो नहीं आया क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम था। उसने मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि पूर्वी के साथ नहीं आ पाएगा। मिल गई इन्फॉर्मेशन, खुश हो गई आप? लो कर लो बात, घर वालों को इतना भी नहीं पता कि इनका दामाद आया था। अरे पूर्वी को बुई चौराहे पे छोड़ के ही चला गया, हमने अपनी आंखों से देखा है। जरूर इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, तभी तो उसने हमारी पूर्वी को छोड़ दिया और वापस चला गया। अरे ये क्या बोले जा रही हैं आप? अरे हमें क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? शोकी हट परे, पैसा आप इन औरतों को ना अपने अपने कार ले जाइए, कोई काम धाम नहीं है। हाँ, जब देखो तब दूसरों के कार में झांकना। हाँ, सगाई के दिन क्या हुआ, पग फेरे के दिन ले जाइए ले जाइए इन्हें। अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ क्या खड़ी है, जाइए अंदर जाइए जाइए यहाँ से, आपकी सब्जी वहाँ पड़ी है जाके छोंकिए, घर वाले नहीं तो भूखे रह जाएंगे। टंडन जी जो मेरी वाइफ बता रही है, जो देखा है जो सच है वही बता रही है। ले लगता है इस मोहल्ले की औरतों के साथ साथ मर्दों को भी कोई काम नहीं है। मैंने कहा ना इन्हें ले जाइए। अजीब हो आप लोग, इतना कुछ सुना दिया तो भी शर्म नहीं है यहीं खड़े हो। अब क्या चाहिए? हाँ हाथ जोड़ रहे हैं, चाहिए। ऐसे लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़ती, इनके सामने हाथ यूज करते। चलो निकला, खुद के घर में जाके देखो, दूसरों के घर में ना झांकने की जरूरत नहीं है। जाओ, बुरा बोलने के अलावा कुछ आता भी है आप लोगों को? क्या गलत बोल रहे हैं? आरवी आया था और चला गया, सच सबके सामने आ ही जाता है और सबको दिखाई देता है, सबको समझ में भी आता है। किसे क्या समझ में आ रहा है? यही कि आरवी को भी समझ में आ गया कि पूर्वी कैसी है, उसके लायक नहीं है। छोड़ी हुई औरत है वो, छोड़ी हुई, समझी? उसने एक रात के लिए अपनी दुल्हन बनाया और उसे छोड़ दिया। तो पानी ले क्या, कैसी औरतें हो तुम लोग? हाँ शक्ल तो ढंग की है ही नहीं, बातें भी गंदी करती हो। जरा सी भी शर्म नहीं आती, किसके लिए बोल रहे क्या बोल रहे,
जुबान पे लगाम नहीं है आपके। भाई साहब ले जाओ इनको। जैसे नहीं जाएंगे। माँ आपने सिखाया है ना कि गंदगी कैसे साफ करते हैं? मैं दिखाती हूँ। अरे बड़ी बदतमीज है ये लड़की, ये सब करने से सर झुकता नहीं है, समझी? इतनी गालियां देने के बाद भी कुछ लोग नहीं बदलते, और मुझे तो गालियां देनी भी आती है। दूर चलो, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। क्या निकलो निकलो, जो सच है वो सच है। अरे जाओ, ये जो बोला ना, अरे इनका मुंह मत लगाओ, छोड़ो इनको, छोड़ो। अरे मैं, अरे ये दे लड़की से। अरे चल अब छोड़ो। हेलो मनीषा, हाउ आर यू? यू लुक अमेजिंग। थैंक यू सो मच। यार तेरे पार्टी में तो सारे फ्रेंड्स बिन बुलाए आ ही जाते हैं। मेरी हैप्पीनेस में शामिल होने। तेरी हैप्पीनेस को और बढ़ाने बता कौन आ रहा है? कौन? अरे बॉबी भी आ रही है। Really? Yes. और नेहा भी, तो फिर तो उसके साथ वो हम्पी दम्पी भी आ रहे हैं। हाँ, कमल विमल, राइट, जिन्हें वो अपने इशारों पे नचाती रहती है। बट वो नेहा के साथ नहीं, किसी और के इशारों पे नाच रहा है। सीरियसली, किसके? अरे तेरी राइवल शैली। Really? अब तो भैया तेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। रियली really? अब चला तेरा कोई मैजिक और छीन ले उस हम्पी डम्पटी को, वरना हर जगह शो ऑफ करती फिरेगी। आई डोंट केयर, करने दो शो ऑफ, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी मैं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी और कंटेंट हूँ। मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, मेरा आदमी। कौन इंजॉय द पार्टी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या हो गया है? तू कुछ बोल ना। दिया तू बैठी है, जाना पानी तो लेके आ पूर्वी के लिए। अभी हाँ दिया था। ठीक है, वो तो लोग बोलते हैं ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना? रियल शैतान तो तुम तब देखोगी जब मैं पूर्वी के साथ सुहागरात मनाऊंगा और अगले दिन उसको छोड़ा। मैं उसको पूरी लाइफ के लिए छोड़ दूंगा एक रात यूज करने के बाद। जैसे तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की, मेरे परिवार की लाइफ बर्बाद की, वैसे मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। एक रात की दुल्हन कहलाएगी वो, समझी तुम? एक रात की दुल्हन, छोड़ी हुई औरत कहलाएगी वो। मेरे परिवार की जो जिल्लत हुई है ना तुम्हारी वजह से, अब तुम्हारे परिवार की वही जिल्लत होगी पूर्वी की वजह से। ये ले पानी, थोड़ा सा पानी। अरे खुशी, तू सॉरी? I'm really very sorry, पियूष सब मेरी वजह से। खुशी, क्या हो गया बेटा? खुशी पुत्र, क्या हो गया? तू क्यों रो रही है? ये जो कुछ भी हुआ ना सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से, मैं जिसकी वजह हूँ। क्या बोल रही है? क्या हुआ है? कोई और बात है ना? मुझे पता है क्या बात है, बता बता ना खुशी। पूर्वी क्या मतलब क्या है प्राची, तू क्या बोल रही है? तूने ही सबको बताया ना कि अरवी का फोन आया था और उसने कहा कि कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो फिर? जी वो मैंने झूठ बोला, क्योंकि वो जो मुंह में आए बोल रहे थे, उनको चुप कराने की जरूरत थी, इसलिए मैंने बोल दी। तू रोना बंद कर, सच में बिजी था इसीलिए नहीं आया, उसकी मीटिंग थी इसलिए नहीं आया। दीपू तू क्यों रो रही है? इसका मतलब है कि आरवी ने अभी तक पूर्वी को कुछ नहीं बताया। थी? वो पियो, मैंने तुझे बचपन से प्रोटेक्ट किया है ना, किसी की मजाल नहीं होती थी कि तुझे कुछ कह पाए। हर्ट तो दूर की बात है, और आज सब औरतें वहां मोहल्ले में तुझे कुछ कुछ कह रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तेरा दिल टूट सा गया। और मैं आप सबको कह रही थी ना कि इस मोहल्ले से शिफ्ट हो जाते, पर अब कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं तो खुद ही नहीं चाहती थी इस मोहल्ले में कभी रहना, इसलिए शादी करके चली गई। मुझे हमेशा से पता था कि ये मोहल्ला रहने के लायक है ही नहीं। खुशी ये सारी बातें अभी नहीं करते प्लीज। मैं दिलवा रही थी ना फ्लैट, उसमें रह जाते सब लोग तो आज ये सब कुछ नहीं होता। हाँ पर हम नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी पहले बता चुकी हूँ ये घर मेरी नानी का है, मेरी माँ भी यही पली बड़ी है। मामा प्लीज वापस शुरू मत हो जा। राजीव खुशी बस कैसे बातें लेकर बैठ गए हो? पूर्वी पकफिले के लिए आई है, सिर्फ मौके को तो समझो बेटा। मनप्रीत सही कह रही है, पहले पूर्वी को कुछ खिला पिला,
चल पुत्र राजा। इसके लिए कितनी सारी चीजें बनी है, खासकर दामाद जी के लिए बनाया था सब कुछ। और पर क्या दीदी, क्या बात कर रहे हो आप? पूर्वी इस वक्त हमारे सामने है, पहले इस बच्चे को खिलाओ, बाकी बातें रात को करेंगे। बैठ खुशी, तू इधर मेरे साथ बैठ। पुत्र बैठ। अच्छा मर्द एक से ज्यादा निकाह करने की इजाजत को अपनी बेवफाई छुपाने का जरिया बना लेते हैं। और इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगी दुआ की बेटियां मन्नत और इबादत। दोनों की कोशिश है कि बदलाव आएगा, पर क्या एक से ज्यादा निकाह करने का दस्तूर इनके रिश्ते को आजमाएगा? जानने के लिए देखिए रब से है दुआ, कल रात 10:30 बजे ZTV पर।